हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शुक्ला एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ। जो मैंने वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो मैंने हिंदी का जो पार्ट है उसका पहला वीडियो अपलोड किया था, और ये मेरा दूसरा पार्ट है। और ये जो हिंदी का पेपर होगा ये इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें हिंदी व्याकरण और लेखनी का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उससे संबंधित अभी ये जो पहला आपकी हिंदी भाषा और बोली है उस पर ये मेरा पहला जो टॉपिक चल रहा था उसके 2 पार्ट मैं अपलोड करूंगा, ये दूसरा पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने पहले पार्ट में अपलोड किया था उसमें मैंने पूछा था कि जो कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है वो क्या है, तो वो खड़ी बोली है, ऑप्शन सी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से 26 क्वेश्चन से। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता होती है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है। तो इसका जो सही आंसर है इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी बोली का केंद्र है, बलिया है, छपरा है, गोरखपुर है, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी, ये सब जगह यहाँ पर भोजपुरी इसका केंद्र है, यहाँ बोली जाती है। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है, हिंदू, उर्दू, मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, हिंद के लिए यानी हिंदी के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा डी, सभी के लिए। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल कहकर किसने स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी, तो ये प्रेरणा किसने दी थी, जयशंकर प्रसाद ने दी थी, बालकृष्ण भट्ट ने दी थी, मैथिली शरण गुप्त ने दी थी, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दी थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, लिपि का अर्थ क्या है, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, वर्णमाला का लिखित रूप, लिखने की कला, लेखनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन। तो जो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, भाग 17, भाग 1, भाग 8, भाग 12। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 17, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, तो देवनागरी जो लिपि है उसका जो विकास हुआ है रोमन में हुआ है, कि गुरुमुखी में हुआ है, कि खरोष्ठी में है, कि ब्राह्मी, तो सब ब्राह्मी में हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है, पद्मावत है, खलीकबारी है, गीत गोविंद है, कि विद्यापति पदावली है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यापति पदावली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, हरियाणा आता है, उत्तराखंड आता है, गुजरात नहीं आता, हिमाचल प्रदेश आता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नागरी लिपि का उद्भव माना जाता है, तो नागरी लिपि का जो उद्भव है वो द्रविड़ लिपि से माना जाता है, ब्राह्मी लिपि, ब्रह्मा के मुख से निकली गई वाणी से, खरोष्ठी लिपि से, तो ये ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, चित्रात्मक है, ध्वनात्मक है, अक्षरात्मक है, संकेतात्मक है। तो इसका सही उत्तर होगा अक्षरात्मक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो की जो एग्जाम होने हैं इस सब क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। हिंदी के जितने भी जो 12 कंटेंट हैं जिसमें आपका जो पहला भी हिंदी भाषा का ज्ञान और हिंदी भाषा बोली किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी का भाषा का विकास कब हुआ, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, तो ये सब चीज़ें अभी जो पहला ये मैं चल रहा है इसमें 2 पार्ट में अपलोड किया है, उसके बाद मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कई क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो हिंदी पूरा चलेगा, उसके बाद मैं आपको अभी जो नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपका जनरल साइंस का होगा और जीके का होगा, तो उसको भी आप देखिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे नए नए आपको वीडियो मिलते रहें। तो ये 37 क्वेश्चन यहाँ हो गया है, आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नया क्वेश्चन आप देखिएगा, तो यहां पर ये यहां पूछ रहा है इस क्वेश्चन में,
निम्नलिखित में से देवनागरी अंक कौन सा है? तो आपको पता है कि देवनागरी अंक कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान के संघ में की राजकाज की भाषा की लिपि कहा गया है, क्योंकि लिखने में सरल है, या मुद्रण और अंकन में सुविधाजनक है, या देश में व्यापक रूप से समझी जाती है, या देखने में सुंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, या देश में व्यापक रूप से समझी जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन देवनागरी लिपि के सुधार कार्य से संबंध नहीं है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, काका कालेकर, विनोबा, तो विनोबा भावे भी थे, महात्मा गांधी भी थे, और काका कालेकर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रमुखता से होता है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और कोई नहीं। तो नेपाल जो है वहां पर देवनागरी लिपि का प्रमुखता से प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? ब्रह्मा नगरी, देवनागरी, नंदा नागरी, उत्तर नागरी। तो इसमें जो है ये आपका नंद नागरी है, इसके नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का समर्थन करने वाले हैं विनोबा भावे, लोकमान तिलक, महात्मा गांधी, सुनकी कुमार चटर्जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये इसका समर्थन करते थे देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? आर्य समाज, नागरी, प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागरी प्रचारिणी सभा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देवनागरी लिपि है, स्वदेशी है, विदेशी है, संकर है, और तो आप जानते हैं देवनागरी क्या है, स्वदेशी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि की लिखावट कैसी है? जटिल है, सरल है, मध्यम है। तो इसकी जो लिखावट है वो जटिल है, क्योंकि इसमें मात्राएं लगती हैं ऊपर नीचे, तो और भी इसके कई कारण हैं, तो इसलिए ये जो है जटिल मानी जाती है लिखने में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने अभी, अब इसके बाद जो है मैं आपको जो वीडियो अपलोड करूँगा वो स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण है। तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, ता, पा, कौन से अंतःस्थ शब्द हैं, उष्मा उष्म संयोजक शब्द कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन है। तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, तो इसको अगर आप पूरा आप कवर कर लेंगे तो आपका जो 50 क्वेश्चन उसमें से 40 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे, 45 भी कर सकते हैं, वो आपकी पढ़ाई के ऊपर है। तो मैं आपको पूरा विधिवत एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स टू वॉच।